इरवावी आओ आओ सुनो कहानी जहाँ है डरपोक राजा बहादुर रानी और उड़ती मछली और तैरती शेरनी आओ आओ सुनो कहानी रॉकी चर्च की छत पर जा चढ़ा और उतर नहीं रहा। रोज के घर के लोग और पड़ोसी उसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वे रॉकी को सही सलामत नीचे उतार लेंगे? चलिए सुनते हैं कहानी में। नीचे उतर जा रॉकी। ओरिजिनल स्टोरी गेट डाउन रॉकी बाय एनी बेजेंट। हिंदी में अनुवाद मधुबाला जोशी। चित्रांकन संध्या प्रभात। प्रकाशन प्रथम बुक्स। कहानी सुना रही है असावरी दोषी। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आर्टिकल्स और बुक रिकमेंडेशन सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा www.books.com। मिलते हैं रॉकी से। अरे इस बकरे को बाहर किसने छोड़ा? नारियल बेचने वाला रमो चिल्लाया। रॉकी फिर कुछ नई शरारत कर रहा होगा। रॉकी अरे नीचे उतर वहां से, रोज चीखी। बेवकूफ इंसान, रॉकी मिमियाया। ये लोग मुझे चर्च की छत से नीचे कूदने को क्यों कह रहे हैं? मैं कोई महाबली बकरा तो हूं नहीं। वो वहां चढ़ा कैसे? अप्पा ने पूछा। वो उस मुर्गी को खाने की कोशिश कर रहा होगा, रोज ने बताया। मुर्गी नहीं मुर्गा, अम्मा ने रोज की भूल सुधारी। अरे मगर वो तो असली मुर्गा भी नहीं है, अप्पा बोले। पहले हम रॉकी को नीचे उतार ले प्लीज, रोज गिड़गिड़ाई। मुझे एक बात सूझी है, केले के पत्ते बेचने वाली जया बोली। लेकिन रॉकी को तो बस केले के पत्ते खाने थे, मुझे इससे बेहतर उपाय सूझा है, दुकानदार मणि ने कहा। लेकिन रॉकी को डिब्बे का गत्ता खाना था। मैं एक बेहतर उपाय करता हूं, बढ़ई पीटर बोला। फिर बढ़ई पीटर ने वो बक्सों की एक फिसल पट्टी जैसे बना दी, जिससे फिसल कर रॉकी नीचे आ सके। रॉकी जरा संभल कर, रोज चिल्लाई। सर, रॉकी सरकता हुआ नीचे आ गया। दोबारा उस मुर्गे को खाने की कोशिश ना करना, रोज खिलखिलाई। लेकिन अम्मा अप्पा नारियल बेचने वाला रमो, केले के पत्ते बेचने वाली जया, दुकानदार मणि और बढ़ई पीटर क्या बोले? रॉकी को दोबारा खुला मत छोड़ देना। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।